किसी और बच्चे को याद ही नहीं है क्या टॉपिक चल रहा था? ट्रायंगल के बाद एक और टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, क्वाड्रिलेटरल। नो बेटा, वेरी गुड। समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे थे हम, क्वाड्रिलेटरल नहीं, समांतर चतुर्भुज। अच्छा ठीक है, समांतर चतुर्भुज के हमने परिमाप और क्षेत्रफल की बात करी थी। अच्छा बताओ, समांतर चतुर्भुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है? वेरी गुड। मेरे ख्याल से पूरी क्लास में एक ही बच्चा है जो पढ़ता है। नो बेटा, नमन। ब्रेथ इनटू बेस। नो, गलत। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × L+B था ना? यस। रांसी कुमारी और RS यादव दो बच्चे हैं, इन्होंने एकदम सही जवाब दिया है। मैं आपने समांतर चतुर्भुज का पूछा था, इसीलिए मैंने कहा था मैम ये जो आप बता रहे 2L+B, ये उसका होता है आयत का। आयत का भी यही होता है, समांतर चतुर्भुज का भी यही होता है। लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं करी थी क्या आपने? क्योंकि आयत नो आयत हाँ, क्योंकि आयत एक तरीके का समांतर चतुर्भुज ही है ना। चलिए अच्छा, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है समांतर चतुर्भुज के लिए? क्षेत्रफल का सूत्र बेस समांतर, इनटू हाइट। यस है ना, बेस इंटू हाइट। वेरी गुड। आधार गुणा ऊंचाई या शीर्षलंब, जो हमने निकाला भी था। ठीक है, तो 2-4 ही बच्चे हैं जो जवाब दे रहे हैं, मुझे जवाब सारे बच्चों से चाहिए। वेरी गुड, जो भी बच्चे जवाब दे रहे हैं बहुत बढ़िया है ना, ऐसे ही होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे हो गया, तो ये चीज हमने पढ़ ली थी, परिमाप और क्षेत्रफल, और एक दो प्रश्न भी हल करे थे इससे रिलेटेड है ना। तो क्षेत्रफल का सूत्र था आधार गुणा शीर्षलंब, और परिमाप का सूत्र था 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये दो सूत्र हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, और इसी के बेसिस पे चलिए एक प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे उसका पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। क्या पूछा है प्रश्न में? एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, जब भी ऐसे दिया और आपको डायग्राम ना दिया हो तो आप अपने आप बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सही रहता है जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए क्या क्या दी गया है हमें, दिया गया है प्रश्न में। ABCD दिया गया है। AB और BC की लंबाई क्रमश 8 और 6 सेंटीमीटर है। AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, आधार AB के संगत ऊंचाई, मतलब AB आधार है, इसके संगत ऊंचाई बेटा कहाँ से जाएगी? D वाले शीट से ही तो जाएगी। हमने पढ़ा था कि ऊंचाई जिस भी भुजा पे गिरती है वही आधार हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है तो आधार BC की संगत ऊंचाई क्या होगी? यहाँ तो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी था। जो BC आधार है उसके संगत ऊंचाई कौन सी होगी? तो आप कहाँ से डालेंगे इसमें शीर्षलंब कि B हमारा आधार हो जाए? A वाले से। आपको ये वाली हाइट बतानी है। ठीक है, दूसरी हाइट आपको ये वाली 4 दी गई है। ठीक है, ये है आपका डायग्राम। सभी बच्चे जरा इसे पोल सेक्शन में अटेम्प्ट करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसे हल कर पाते हैं। डायग्राम आपके सामने, प्रश्न मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उत्तर बताइए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हाइट हम कोई से भी ले लें, ठीक है, ऊंचाई कोई से भी ले लें, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्षेत्रफल दोनों सेम ही रहेगा, चाहे कोई सा भी आप आधार ले लें, तो क्षेत्रफल से ही निकलेगी ऊंचाई, क्योंकि सूत्र में क्षेत्रफल में ही ऊंचाई होता है। तो करिए जरा अटेम्प्ट इसे। मैम आंसर आ गया, लेकिन चैटिंग सेक्शन में वो आंसर भेजने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि बेटा पोल सेक्शन में करना है, पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं है आपके पास। हाँ, पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, चैट सेक्शन में थोड़ी देर बाद ऑन करूंगी ना,
जब बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर दे देंगे। वेरी गुड, आंसर्स आने स्टार्ट भी हो गए। वीडियो किसी का भी ऑन हो ऑफ करेंगे, ठीक है? राम प्रसाद बनेसवाल के नाम से जो है बेटा, अपने वीडियो ऑफ कर लो, वीडियो ऑन है आपका, है ना? सात बच्चों ने उत्तर दे दिया, जिसमें से तीन ही बच्चों का उत्तर सही है। मैक्सिमम बच्चे गलत कर रहे हैं, सात में से तीन बच्चों का उत्तर सही है। आपके पास 30 सेकंड्स का समय और है, 30 सेकंड्स का समय और है। तो जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे। 10 ही बच्चों ने अभी उत्तर किया है इसका। मैक्सिमम बच्चों का गलत है। बारह में से चार ही बच्चों का उत्तर सही है। पंद्रह सेकंड्स और हैं आपके पास। लास्ट के 10 सेकंड्स और हैं, लास्ट के 10 सेकंड। अभी भी सिर्फ 12 बच्चों ने उत्तर किया है बेटा पोल सेक्शन में। आपको पोल सेक्शन में ही उत्तर देना है, अगर आपके पास पोल सेक्शन आता है तो। लास्ट के 5 सेकंड्स और हैं। चलिए, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करिए। बेटा क्लास में 18 बच्चे हैं, 18 में से 12 बच्चों ने पोल सेक्शन में उत्तर दिया है, तो बाकी के बच्चे कहाँ हैं? 6 बच्चे, 6 बच्चों का आंसर चैट सेक्शन में आना चाहिए ना। यस, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था।
गलत हो या सही हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज होती है अटेम्प्ट करते हैं। चलिए तो आकृति मैंने डायग्राम आपके सामने मैंने बनाई दिया है, ठीक है। मैंने कहा क्षेत्रफल सेम होता है, तो क्षेत्रफल से निकलेगा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब हम आधार ले लेते हैं ए बी वाला, क्योंकि इसी के संगत ऊंचाई हमें दी है। ए बी की संगत ऊंचाई क्या है, ये डी से जो जा रही है कितनी दे रखी है, 4, 8 चौक 32 वर्ग सेंटीमीटर। अब मुझे दूसरी वाली ऊंचाई निकालनी है, ये वाली बी सी भुजा के, तो बेटा एरिया तो सेम ही रहेगा ना, भले ही आधार बदल रहा है एरिया सेम रहेगा, तो ये 32 में यहाँ लिख सकती हूँ एरिया की जगह, बिल्कुल। इसके लिए बेस कितना दिया है, आधार कितना दिया है बीसी के लिए, 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपने निकालनी है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ये इस तरफ गुणा में उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, 6 5 30.33 के करीब आएगा, ये आएगा इसका उत्तर ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को, ज्यादातर बच्चों ने ऑप्शन ए लगाया था। कोई ऐसा बच्चा इससे क्लियर ना हो तो पूछ सकते हैं अभी भी, कोई भी, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार रिपीट कर दूं, कहाँ से समझ में नहीं आया अंकित, कहाँ से समझ में नहीं आया, मैम, जो आपने फॉर्मूला लगाया एरिया वाला, एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। यस मैम, तो सबसे पहले मैंने एरिया ही निकाल लिया, क्षेत्रफल, तो एरिया आ गया। अब एरिया में हाइट मैंने कौन सी पुट करी, जिसके ऊपर वो गिर रही है, जिस भुजा के ऊपर गिरेगी वही उसका आधार होता है। तो ये जो 4 है ऊंचाई, ये ए बी भुजा के ऊपर तो गिर रही है, इसलिए मैंने यहाँ लिया कि संगत ऊंचाई। अब एरिया तो बदलेगा नहीं, भले ऊंचाई बदल दो तुम, जब चतुर्भुजी एक है समांतर, तो एरिया कैसे बदलेगा। तो ये एरिया का जो मान था, मैंने इस वाले एरिया में दोबारा एरिया का फॉर्मूला लगाया, वहां पुट कर दिया। इसके लिए जो बेस हो जाएगा, अब मुझे ये वाला एच निकालना है, तो कौन सी भुजा है, बीसी भुजा के लिए निकालना है। तो बीसी भुजा का मान आपको 6 दे रखा है, क्योंकि वो आधार है, हाइट आपने निकालनी है, तो उस तरफ जाके भाग होके ये 5.33 हो जाएगा। क्लियर है, फिगर समझा दूं। देखो बेटा, फिगर के लिए मैंने कहा था कि जब मैंने ये बोला था आपसे कि जब भी इस तरह के आए प्रश्न, मैंने बोला था कि आपका जो आधार है वो हाइट के हिसाब से चेंज होता रहता है ना, हाइट के हिसाब से आपका आधार बदलते रहेगा। तो यहाँ पे हाइट थी ये वाली, तो हाइट जिस भी भुजा पे गिरती है, ये शीर्षलंब जिस भुजा पे गिरेगा वही आधार है, तो डी से जो शीर्षलंब जा रहा है वो ए बी भुजा पे तो गिर रहा है, ये इसके लिए आधार हो जाएगा, ठीक है। वही बात करो, इसने बी सी भुजा के लिए पूछा था हाइट क्या होगी, बी सी भुजा आपकी ये रही, और बी सी भुजा आधार हो गई, तो इस पे गिरने वाला शीर्षलंब इसी पे तो आएगा, ए से तो शुरू होगा, ठीक है, ए से शुरू कर लिया, तो ये वाली हाइट आपने निकालनी थी, ये वाली, ठीक है, बी सी भुजा के लिए। क्लियर है आप, यस मैम, यस चलिए मैम, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं, ये बहुत इजी है। आपसे पूछा गया है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, बहुत इजी है, क्षेत्रफल निकालना है आपने बस।
चार बच्चे ने उत्तर भी दे दिए। अब वेरी गुड, और ये वाला प्रश्न काफी बच्चे सही कर रहे हैं। वेरी गुड। मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी जल्दी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बाय। कर दिया मैम। लास्ट के 30 सेकंड्स और हैं आपके पास, जल्दी से हल करिए। और बेटा माइक जिसका ऑन है माइक म्यूट कर लीजिए। माइक एंड वीडियो आपसे बोला गया है ना बंद होनी चाहिए। लास्ट के 15 सेकंड्स और हैं आपके पास। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, 2 मिनट रुकिएगा। और क्वेश्चन डायग्राम सभी ने बनाया होगा ना। लास्ट के 15 सेकंड्स और हैं। लास्ट के 10 सेकंड्स और हैं। लास्ट के 10 सेकंड्स और हैं आपके पास।
चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए। चलो देखते हैं, आपके सामने जो प्रश्न है इसमें साफ लिखा हुआ है, यस आपके सामने प्रश्न है, इसमें साफ आपको दिया गया है कि एक चतुर्भुज तो है, लेकिन आपको इसमें पहचानना होगा कि आधार कौन सा होगा, है ना, आधार कौन सा होगा इसके लिए। तो जैसे कि आपने देखा है 9 सेंटीमीटर है डीसी भुजा, ठीक है। अब अगर आप सामने देखिए तो डीसी वाली भुजा के जो सामने भुजा है एबी, ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, एबी भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो एरिया का सूत्र आपको पता है, आधार गुणा ऊंचाई। अब इसी एबी वाली भुजा पे ही तो ये ऊंचाई गिर रही है, यहां से शीर्ष लंब इसी वाली भुजा पे आ रहा है, तो ए बी ही इसके लिए क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगा। तो ए बी गुणा ऊंचाई क्या है, डी एम। ए बी का मान पुट कर दीजिए 9, डी एम का मान है 8, 9 8 72 वर्ग सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर है। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। तो इजी प्रश्न था ये। चलिए अगला प्रश्न करते हैं एक और। आपसे बोला गया है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, और आधार 7 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल दे दिया, आधार दे दिया और ऊंचाई आपसे पूछी गई, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, 4 बच्चों ने उत्तर कर दिया है इसका। वेरी गुड, 8 बच्चों ने उत्तर कर दिया है। जिसमें से 6 बच्चों का उत्तर सही है। मैम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा 9 बच्चों ने उत्तर कर दिया, जिसमें से 6 बच्चों का उत्तर सही है एकदम। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करेंगे। यस मैम, हो गया। इस प्रश्न में ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए, ठीक है बेटा, बहुत ही इजी है। डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि एरिया दिया हुआ है। चलिए लास्ट के 10 सेकंड्स और हैं, सिर्फ 10 सेकंड्स हैं आपके पास, और 10 बच्चों ने उत्तर किया अभी इसका। लास्ट के 5 सेकंड्स और हैं, सिर्फ 5 सेकंड्स और हैं आपके पास।
चलिए पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए। बाकी बच्चे जितने भी है चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे। चलिए देखो, आपको एरिया का सूत्र पता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। कितना दिया है क्षेत्रफल आपको, 28, तो 28 रख देंगे क्षेत्रफल की जगह। आधार कितना दिया है, 7, 7 यहाँ रख देंगे। ऊंचाई पूछा है, कितनी आ जाएगी, ये 7 उस तरफ जाके भाग हो जाएगा 28 से, 28 बटे 7, 7 चक 28, 4 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन ए सही उत्तर है, क्लियर है सभी को, ए ऑप्शन सही उत्तर है। भाग होगा ना, आधार दिया है, ऊंचाई आपको निकालनी है। सभी को क्लियर हो गया, तो ये सारे हमारे प्रश्न समांतर चतुर्भुज के ऊपर थे जो हमारे आज खत्म हो गए, ठीक है। और आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल, पैरिमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि परिमाप होता क्या है, कि भाई जब मैं आयत के चारों भुजाओं को जोड़ दू, चार भुजाओं की कुल लंबाई उसका परिमाप होगा। अब चूंकि आयत एक तरीके का समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी भी आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है ना आयत की भी, तो जब आप चारों भुजाओं को जोड़ेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, कितनी है ए बी भुजा, ए बी भुजा है ए, बी सी भुजा है बी, सी डी भुजा है ए, और डीए भुजा है फिर से बी। दो बार ए है फिर से 2a, दो बार b है फिर से 2b, 2 कॉमन ले लेंगे क्या आएगा, a प्लस b। तो सेम बिल्कुल समांतर चतुर्भुज की तरह ही इसका सूत्र है परिमाप का, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, किसका, आयत का, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। सेम वही सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे इसे। अगला सूत्र है अब इसका क्षेत्रफल का, और क्षेत्रफल का सूत्र सभी को पता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, या आप इसे एल इंटू बी भी लिखते हैं। क्षेत्रफल आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। सभी को क्लियर है बेटा, ये दोनों सूत्र नोट डाउन कर लीजिए, परिमाप का भी और आयत का भी। यस, इससे रिलेटेड कुछ हम प्रश्न हल करेंगे। चलिए अब एक प्रश्न हल करते हैं। आपके सामने एक आयत दिया हुआ है, ठीक है, और इसका परिमाप आप लोगों ने निकालना है, ठीक है। सभी बच्चे इसका उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। आठ बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत ही इजी प्रश्न है, सभी बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे इसे।
10 बच्चों ने उत्तर कर दिया है, जिसमें से 9 बच्चों का उत्तर सही है। ठीक है, लास्ट के 10 सेकंड्स और हैं आपके पास, लास्ट के 10 सेकंड्स और हैं। लास्ट के 5 सेकंड और हैं सिर्फ। चलिए, पोल सेक्शन बंद हो गया है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे। सूत्र सभी को पता है, परिमाप का 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई है ना, इसे आप 2 गुणा ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, या 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, परिमाप बराबर, लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। 8 और 4 7 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। बस ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर है। क्लियर है सभी को? यस ठीक है, तो बहुत ही इजी प्रश्न था ये। चलो चलिए, अगला प्रश्न है, इसमें बोला है कि यदि यदि एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो 72 सेंटीमीटर है, 72 वर्ग सेंटीमीटर है, और उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, उसकी चौड़ाई निकालनी है। सभी बच्चे जल्दी से अटेम्प्ट करिए पोल सेक्शन में। क्षेत्रफल दिया गया है इस बार, लंबाई दी गई है, चौड़ाई निकालनी है। वेरी गुड, 6 बच्चों ने उत्तर दे भी दिया है इसका। दस बच्चे ने उत्तर कर दिया, वेरी गुड बेटा, 10 में से 8 बच्चे का उत्तर सही है। लास्ट के 10 सेकंड्स और हैं आपके पास, लास्ट के 10 सेकंड्स। लास्ट के 5 सेकंड्स और हैं। चलिए, पोल
पोल सेक्शन एंड हो गया, बाकी बच्चे जिनका रह गया है वो चैट सेक्शन में उत्तर दे दीजिए इसका। एरिया का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई आयत के लिए। एरिया कितना दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 72, लंबाई कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपने निकालनी है। चौड़ाई कितनी आ जाएगी, ये 9 जब उस तरफ जाएगा भाग हो जाएगा 72 से, 72/9, 9 8 72, 8 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन बी सही उत्तर है। यस, ऑप्शन बी सही उत्तर है। सभी को क्लियर है ये प्रश्न? इजी इजी ही है प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा आयत का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया है। अगला आएगा हमारा वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक है, पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में, ठीक है। तो आपको पता है कि जो वर्ग होता है उसकी जो चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, ये हम पहले ज्योमेट्री में पढ़ के भी आ चुके हैं, ठीक है। अगर एक भुजा ए है तो बाकी सारी भुजा भी ए होंगी, चारों भुजाएं बराबर। अब परिमाप कैसे निकालोगे, चारों भुजाओं को जोड़ दोगे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, क्योंकि सारी ही भुजाएं ए हैं तो चार ए हैं, तो कितना हो जाएगा 4 × a, कितना आ गया परिमाप का सूत्र, 4 को अगर भुजा से गुणा कर दोगे तो आपका परिमाप आ जाएगा, ठीक है। 4 × साइड, किसका सूत्र है ये, परिमाप का वर्ग के लिए, ठीक है। तो ये सूत्र हम छोटे कक्षा में भी पढ़ के आ चुके हैं, और फिर भी आपको याद नहीं है तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। 4 × भुजा या 4 × साइड हमारा परिमाप का सूत्र है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, चलिए, क्षेत्रफल का सूत्र। अब क्षेत्रफल का सूत्र भी सभी को पता है, जरा चैट सेक्शन में लिखेंगे क्या होता है। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए सभी। यस, वेरी गुड। भुजा गुणा भुजा, या a × a, या भुजा का वर्ग, है ना, भुजा को आप 2 बार गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है? तो यह है क्षेत्रफल का सूत्र, साइड × साइड, वेरी गुड बेटा। तो ये वाला सूत्र, 2 सूत्र हो गए, परिमाप का देख लिया, क्षेत्रफल का देख लिया, ठीक है। अब चलिए एक प्रश्न हल करते हैं इसी के बेसिस पे। प्रश्न बाईस, ठीक है। आपसे बोला गया है कि यदि वर्ग की भुजा, ठीक है, भुजा दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, और तो परिमाप और क्षेत्रफल दोनों निकालना है। इस बार आपको दोनों चीजें निकालनी है, परिमाप भी निकालनी है, क्षेत्रफल भी निकालना है। अगर आपको साइड दे दिया है, भुजा दे दी गई है, सभी बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे इसे, ये बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है। डायग्राम में बना देती हूँ आपके लिए। कुछ भी नाम दे सकते हैं हम इसे, ठीक है। भुजा 8 सेंटीमीटर है, अगर एक 8 सेंटीमीटर है तो बाकी भी 8 ही होंगे। परिमाप और क्षेत्रफल दोनों निकालना है। सात बच्चों ने उत्तर कर दिया है,
वेरी गुड, 9 बच्चों ने उत्तर कर दिया, जिसमें से 8 बच्चों का उत्तर एकदम सही है। लास्ट के 15 सेकेंड से आपके पास, और लास्ट के 15 सेकेंड। सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे लास्ट के 15 सेकेंड से। लास्ट के 5 सेकेंड्स और है, 5 सेकेंड्स का समय और है। चलिए पोल सेक्शन बंद हो गया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर देंगे, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर देंगे। परिमाप का सूत्र आप सभी को पता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी है, लंबाई सॉरी हम वर्ग की बात कर रहे हैं ना, तो वर्ग के लिए परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा, है ना। भुजा कितनी देर की, 8, 4 8 32 सेंटीमीटर। तो देख लो कहाँ का 32 है, यहाँ है और यहाँ है, मतलब बी और सी तो इसके उत्तर नहीं हो सकते। अब क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल का सूत्र भुजा गुणा भुजा, दोनों भुजाएं 8 8 हैं, 8 गुणा 8 64 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए सही उत्तर हो गया। डी नहीं बेटा, ऑप्शन ए, डी नहीं। क्लियर है, 8 को 8 से जब गुणा करोगे तो 64 आएगा ना, 60 थोड़ी आएगा। सभी को क्लियर है ये प्रश्न, सभी बच्चों को क्लियर है या कोई बच्चा ऐसे ऐसे ना समझ में आया। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न है। आपको बोला है कि आपको भुजा का मान निकालना है, यदि क्षेत्रफल 49 वर्ग मीटर है तो। क्षेत्रफल निकालिए अगर, सॉरी क्षेत्रफल दिया है अगर आपको, और आपको क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है। क्षेत्रफल दिया गया है, भुजा निकालनी है। पांच बच्चों ने उत्तर दे दिया इसका, ग्यारह बच्चों ने उत्तर दे दिया। लास्ट के 10 सेकेंड्स और है, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है तो जल्दी जल्दी कर लेंगे आप।
लास्ट के 5 सेकेंड्स और है। चलिए, वेरी गुड, 14 बच्चों ने उत्तर दे दिया है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर देंगे इसका। चलिए, क्षेत्रफल का सूत्र सभी को पता है, क्या होता है? भुजा गुणा भुजा होता है वर्ग के लिए। क्षेत्रफल कितना देर का है? 49। भुजा आपने निकालनी है, तो आप इसे भुजा का वर्ग भी लिख सकते हैं ना, दो बार है। ठीक है, इस भुजा को मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जब ये उस तरफ जाएगा, ये स्क्वायर इसका वर्ग, ये वर्गमूल बन जाएगा इधर जाके, सभी को पता है। अब 49 कौन से नंबर का वर्गमूल होता है बेटा? 7 का ही तो होता है, 7 का ही वर्गमूल 49 है, 7 गुणा 7 49 आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है इसका। सभी को क्लियर है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। मैम 20 ही है ना, क्योंकि मैम मीटर में है। ठीक अच्छा, मीटर में? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। जहाँ पे गलती हो तो आप लोग बता भी सकते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, बी। क्योंकि मीटर में है। क्लियर है? यस, ऑप्शन बी सही है। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। नया टॉपिक फिर से अब हम पढ़ेंगे, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ट्रेपीजियम पढ़ेंगे, ठीक है, उसका परिमाप और क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज भी हम पहले ज्योमेट्री में पढ़ के आ चुके हैं, है ना? क्या होता था समलंब चतुर्भुज? जिसकी कोई भी एक युग्म आमने सामने वाला क्या होता था? समांतर होता था। होता था ना, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। अब समलंब चतुर्भुज के परिमाप की बात करें, पैरेलल था। यह समांतर होता था, पैरेलल होता था। ठीक है, इसका मतलब ए बी और बी सी यहाँ आपस में पैरेलल है। क्लियर है? ठीक है, अगर मैं चारों भुजाओं को जोड़ दूं तो यहाँ से इसका परिमाप आ जाएगा, क्योंकि चारों की चारों भुजाएं यहाँ पे अलग है। इसलिए क्या लिखा है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए जमा बी जमा सी जमा डी लिखा गया है, क्योंकि हमें पता है कि समलंब चतुर्भुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। क्लियर है? इसलिए इसका ये सूत्र बना। चलिए आगे देखते हैं इसके क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, अब आपको पता है कि क्षेत्रफल के लिए मुझे फिर से हाइट चाहिए होती है, ऊंचाई चाहिए। फिर से क्या डालूंगी मैं यहाँ पे? एक चीज लंब डाल दिया मैंने, ठीक है, डी वाली भुजा पे, जो एम पे मिल रहा है ए बी भुजा पे। ठीक है, तो यहाँ से इसके जो सूत्र होता है ट्रेपीजियम के लिए, वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग होता है। देखो क्या लिखा है, समांतर भुजाओं का योग, मतलब ऐसी भुजाएं जो आपस में समांतर है, पैरेलल है। कौन सी भुजाएं समांतर है यहाँ से? चलो इसको ना मैं एक अलग पेज पे समझा देती हूँ, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज बना दिया मैंने, समलंब ट्रेपीजियम है ए बी सी डी। ठीक है, सभी को पता है जब भी क्षेत्रफल पूछेगा तो मुझे हाइट चाहिए होती है, तो डी वाले से मैंने शीर्षलंब ड्रॉ कर दिया, जो बी पे एम पॉइंट पे कट कर रहा है, यही इसकी ऊंचाई है या हाइट है। तो इसके जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है हाफ गुणा पैरेलल साइड का। मान लो अगर ये ए है, ये बी है, ये वाली भुजा सी है, ये वाली भुजा डी है। तो ऐसी भुजाएं जो आपस में समांतर है, कौन सी है? ए बी और डी सी आपस में समांतर है, तो इन दोनों भुजाओं का योग लेना है, मतलब तो ए प्लस बी। ए प्लस मैम बी, वन क्लियर बाय है? टू एच ये समांतर, ए प्लस बी। यस, है ना? और साथ में क्या आता है, दोनों भुजाओं की, यहाँ लिखा है ना, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी,
दोनों जो समांतर भुजाएं हैं उसके बीच की दूरी तो ये एच ही है ना, एच ही इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी है, तो गुणा क्या हो जाएगा, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। क्लियर है? ए प्लस बी यहाँ पे वो भुजाएं हैं जो आपस में समांतर है, पैरेलल है। ये फॉर्मूला सभी नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये अलग फॉर्मूला है, 1/2 हाइट इंटू ए प्लस बी, या 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट, एक ही बात है। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे इसे। सभी को क्लियर हो गए प्रश्न? तो ये सूत्र सभी को क्लियर है ना? यस मैम। तो बस आपको ध्यान यही रखना है कि ए और बी यहाँ पे समांतर भुजाएं हैं, उनका योग लेना है। आप इन दोनों भुजाओं का मत ले लेना क्योंकि समांतर नहीं है, सिर्फ ये दोनों ही आपस में समांतर है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न हल करते हैं इसी के बेसिस पे। प्रश्न 24, इसने बोला है कि एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है? तो यदि समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का युग्म, ठीक है, दोनों समांतर भुजाएं दे दी, पैरेलल साइड दे दी, 8 और 10 सेंटीमीटर है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो भी बोल दी 9 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकालिए। बहुत ही इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए आप। वेरी गुड, चार बच्चों ने उत्तर कर भी दिया है इसका। नौ बच्चे ने उत्तर दे दिया, वेरी गुड। लास्ट के 15 सेकेंड और हैं आपके पास, लास्ट के 15 सेकेंड। वेरी गुड, 11 बच्चों ने उत्तर कर दिया। लास्ट के 5 सेकेंड और हैं, 5 सेकेंड का समय और है आपके पास। चलिए, पोल सेक्शन बंद कर दिया मैंने, बाकी बच्चे जिन्होंने नहीं उत्तर दे पाए हैं वो चैट सेक्शन में करिए। एक डायग्राम बना लेंगे तो मेरे लिए काफी इजी हो जाएगा प्रश्न को हल करना। तो मैंने एक समलंब चतुर्भुज बना दिया, ए बी सी डी, ठीक तो आपसे बोला गया है कि समांतर भुजाओं का योग, मतलब एक भुजा है 8, ऑब्वियसली छोटी भुजा 8 होगी, लंबी भुजा कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, इनके बीच की दूरी यही है, कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया का सूत्र आपको पता है, हाफ गुणा वो भुजाएं जो आपस में समलंब है उनका युग जोड़ और एच से हाइट से गुणा कर दो। कौन सी है, 8 प्लस 10 लोगे, हाइट कितनी है, 9,
आठ और 10 को जोड़ोगे कितना आएगा, 18 गुणा 9, 2 से काट दो, 2 9 18, 9 को 9 से गुणा करो कितना आएगा, 81 वर्ग सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन डी मेरा सही उत्तर है। नहीं बेटा, बी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन है। ओके, डी ऑप्शन सही है। आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी। क्या सभी को क्लियर है ये वाला प्रश्न? कोई ऐसा बच्चे से ना क्लियर हो तो पूछ सकते हैं अभी भी, सभी को क्लियर है? हाँ, बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है।